शुरू। यह याचिका पूर्व सांसद एवं विधि मंत्री डॉक्टर अश्वनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अंतिम कुमार निर्णय आना शेष है, किंतु एक अंतरिम आवेदन पत्र देकर याची ने मांग किया था कि जिस प्रकार इस न्यायालय ने मॉब लिंचिंग के मामले में 17 जुलाई 2018 को विधि के अभाव में दिशा निर्देश जारी किया था, उसी प्रकार अभिरक्षा में यातना मृत्यु के मामले में भी दिशा निर्देश जारी करें। मूल याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। याचिका में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1984, जिस पर भारत ने 14 अक्टूबर 1977 को हस्ताक्षर किया है, के अनुरूप विधि निर्माण की अपेक्षा करते हुए न्यायालय से दिशा निर्देश जारी करने की मांग किया गया था। 27 नवंबर 2017 को याचिका को अटॉर्नी जनरल के इस आश्वासन पर निस्तारित किया गया था कि विधि आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है। याचिका का कहना था कि मानवाधिकार आयोग, संसदीय समिति और विधि आयोग की रिपोर्ट के अभिरक्षा में यातना पर सरकार ने अभी तक कानून नहीं बनाया है, अतः विधि निर्माण में सरकार की सक्रियता विफलता पर न्यायालय के अनुच्छेद 141 और 142 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार में यातना पर संयुक्त निर्माण हेतु संसद प्रयोग करते हुए अभिरक्षा कन्वेंशन के अनुरूप विधि आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें अथवा स्वयं आदेश जारी करें। दूसरी तरफ सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि प्रश्नगत विषय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्यों से उनका समर्थन मांगा जा रहा है और दिनांक 27/06/2018 से लेकर 20/12/2018 तक कुल 3 बार रिमाइंडर के बाद राज्यों के सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। शपथ पत्र 12/02/2019 और अब विधि निर्माण पर संक्रियता से विचार कर कार्य हो रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्णपीठ को यह विनिश्चित करना था कि क्या इस न्यायालय को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित होते हुए अभिरक्षात्मक यातना पर एक
स्थायी और विस्तृत विधान निर्मित करने के लिए संसद को निर्देश जारी करना चाहिए। और क्या न्यायालय ऐसा कर सकती है? पैरा, भारत में लिखित संविधान है जो सर्वोच्च है, जो राज्य के तीनों शाखाओं अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों, कार्यों एवं भूमिकाओं को विभाजित करता है। ये विभाजन तीनों के लिए एक सीमाएं हैं और तीनों की शक्तियों, कार्यों एवं कृत्यों को चेक करने तथा अतिक्रमण नहीं करने के लिए संविधान द्वारा ही सीमाएं निर्धारित है। सभी संस्थाओं को अपनी सीमाओं में रहते हुए ही कार्य करना चाहिए और अन्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ तीनों अंगों को एक अच्छे प्रशासन के हित में एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। यह अर्थों में विधि के शासन को करता है, सृजन करता है। यह चेक एंड बैलेंस के एक प्रणाली का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा हॉलीनेंस केशवानंद भारती श्रीपाद गलवास बनाम केरल राज्य का मामला प्रक्रियाधीन है। पैरा,